नमस्कार बाबा राष्ट्रीय न्यूज में आपका स्वागत है। अब चलते हैं खबरों की ओर। चिरकुंडा थाना के अंतर्गत डुमरी जोड़ में ग्रामीण रोड ही धंसा, अवैध खनन के कारण हुई घटना, कुछ लोगों के दबे होने की आशंका, वहीं ग्रामीणों में भारी आक्रोश, नहीं पहुंचे अभी तक कोई अधिकारी। सुनिए ग्रामीणों की आक्रोशित बातें। यहाँ अवैध खनन चल रहा है और हमको लगता है करीब 6 महीना से अवैध खनन चल रहा है यहाँ पर, और हमने देखिए डीसी साहब को दिए थे लिखित में, एसएसपी को दिए थे, डीजीपी को दिए थे, एरिया 12 के जीएम को दिए थे, लेकिन अभी तक इन लोग के कान में जू तक नहीं रेंगा। और यहाँ का जो स्थानीय जनप्रतिनिधि मुखिया है उनका भी देखिए पेपर में कई बार छप चुका है, और उनके देख रेख में सरपरस्ती में चल रहा है ये माइंड। और यहाँ का छोटा छोटा बच्चों लोग को बुला बुला करके बहला फुसला काम कराया जा रहा है, और हमको लगता है कि अनुमान लग रहा है कि 50 से 60 लोग दबे हुए हैं इसके अंदर में। हम लोग मांग करते हैं कि जब तक ये कोड़ा नहीं जाएगा हम लोग यहाँ हटे नहीं। रोड जाम करेंगे। हाँ, अब हम लोग रोड जाम करने जा रहे हैं। ये देखिए, ये सब देखिए आप लोग, ये देखिए इसमें सब मार्क किया हुआ है, पेपर में छपा हुआ सब। और दिक्कत है कि बच्चा लोग रोड से ही आना जाना करता है। अगर ये अच्छा हुआ कि पहले धस गया, अगर स्कूल टाइम धसता, बच्चा लोग था, क्रेक जो हुआ ना, तो बच्चा लोग उसमें मिट्टी भर रहा है कि बच्चा लोग पीछे रह गए तो बच्चा कितने मर जाते दब कर। मिली भगत के कारण ये सब हो रहा है और ये कोई नया नहीं है, 5 से 6 महीना तक ये चल रहा है, जबकि पूरे प्रशासन को बीसीसीएल सबको मालूम है। बीसीसीएल जब भरने के लिए आता है अवैध खनन, तो जहाँ कोयला निकल रहा है वहाँ नहीं भराया जा रहा है, दूसरे जगह भर कर और वो लोग चले जाते हैं प्रशासन के सामने। जबकि ये आदमी प्रशासन को बोल रहे हैं कि जहाँ से कोयला निकल रहा है वहाँ से भरिए। उधर चला जाएगा, उधर बंद कर रहा है, कोयला नहीं है उधर बंद कर रहा है। हमको जो भी आदमी दलाल था वो बोलता चला तुम बहुत बड़े रिटेलर बन गया, चला तुम इधर बंद करने के लिए बोल रहा है। जान मारने का धमकी दिया जाता है, जान मारने का धमकी हमको दिया है, भी जान मारने का उपाय लगाता है, पैसा और सब आदमी को फंसना चाहिए। बोलिए 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 आपको। डुमरी जोड़ में ये अवैध खनन के अनुसार एक 6 महीना से काम चल रहा है, और जो ये जो अभी आज का घटना है इसमें जिंदा आदमी को भी नहीं अभी तक निकाला जा रहा है, और मरा हुआ तो बेचारा है ये है। जिंदा आदमी को निकालने का प्रयास करना चाहिए। हमारा पंचायत का मुखिया और समिति को पावर दिए हैं, हम लोग जिताए हैं, उनको आ करके ये समस्या हल करना चाहिए कि नहीं, बोलिए भाई जनता, लेकिन अभी तक कहीं कुछ नहीं हो रहा है। और भी लगातार खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, इससे हमारे आने वाली न्यूज की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।